गुजरात में एक गुरु भाई नाम का एक मछुआरा रहता था। एक दिन वो मछली पकड़ने गया मगर बहुत दिनों तक घर वापस नहीं आया। उस कारण घर में पत्नी और बच्चे घबराने लगे। गुरु की पत्नी गंगा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कहाँ गए होंगे? वे इतने दिन समुन्द्र में नहीं रहते, आम तौर पर मछली पकड़ने जाकर दो दिन में ही वापस आ जाते हैं, मगर इस बार तीन दिन हुए हैं, फिर भी नहीं आए। मुझे तो कुछ खतरा महसूस हो रहा है, कहकर रो रही थी। दीदी आप मत रोइए, जीजा जी को कुछ नहीं होगा, वो घर लौट आएंगे, कहकर उसे हिम्मत दे रहा था। तभी अचानक से उनके आगे एक छोटे से लकड़ी के सहारे तैरते हुए गुरु किनारे तक पहुंचा और नटवर घबराते हुए उसे किनारे तक लेकर आया। क्या हुआ जीजा जी, क्या हुआ? इतने दिन आप कहाँ गए? आपका नाव कहाँ पर है? आप नहीं आए हो, कहकर दीदी रो रही थी। दीदी को कैसे समझाए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप आए बहुत खुशी की बात है, वैसे क्या हुआ जीजा जी और नाव कहाँ पर है? मैं समुन्द्र में बहुत दूर गया था रे, अचानक से एक बड़ी मछली आकर अपने नाव से टकराई और अपना नाव टूट गया। मैं एक छोटे से लकड़ी के सहारे तैरते हुए आ रहा था, तभी वो मछली मुझे खाने के लिए मेरी ओर आ रही थी। बस उस लकड़ी को मैंने उसके मुंह में चुबाकर दूसरे लकड़ी के सहारे तैरते हुए आ गया, और ऐसे तैरते हुए आने में इतने दिन लगे हैं। अब नाव के बिना मैं मछलियां कैसे पकड़ूंगा, परिवार का पोषण कैसे करूंगा, अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा है रे। आप दुखी मत होइए जीजा जी, अगर आप चाहे तो आप भी मेरे साथ तेल निकालने के काम के लिए आ सकते हैं। क्या, तेल निकालने का काम? ये कहाँ पर है? यहीं अपने समुंदर के पास ही, सरकार का कुआं है ना, वहाँ हम एक बड़ा सा नाव लेकर जाते हैं। वो हमारे जैसे छोटे नाव नहीं, वो बड़े बड़े लॉरियां भी लेकर जा सकती है। उसे ले जाकर अंडर वाटर में रहे तेल के कुएं में से तेल निकाल कर लॉरी में भरकर समुंदर के किनारे आ जाते हैं। ठीक है रे, भगवान के जैसे आए हो, तुम्हारा नाम बोलकर मैं और मेरी पत्नी दो वक्त का खाना खा पाएंगे। ऐसे क्यों कह रहे हो जीजा जी, मैं आपको ऐसे ही कैसे छोड़ सकता हूँ, आपको भूखे कैसे रहने दूंगा, कहकर उसे अपने मालिक के पास लेकर गया। अपने मालिक से नटवर, सर ये मेरे जीजा जी हैं, ये बेरोजगार है, मैं इन्हें भी तेल निकालने के काम पर ले जाऊंगा सर। ठीक है रे, लेकर जाओ, ये परेशानियों में है बोल रहे हो ना, हमारे वजह से इनका पेट भरता है तो अच्छी बात है ना, लेकर जाओ। अगले दिन नटवर गुरुभाई दोनों समंदर पे एक बड़ा सा नाव लेकर उसके ऊपर लॉरी चढ़ाकर उस अंडरवाटर ऑयल के कुएं के पास गए। वहां जाते ही गुरु, नटवर अब समुंदर में से तेल ऊपर कैसे निकालते है रे? कुछ नहीं जीजा जी, इससे पहले तेल ज्यादा रहने के कारण दबाव ज्यादा रहता था, इस वजह से तेल ऊपर ही मिलता था, मगर बहुत सारे लॉरी भरकर तेल निकालने के बाद दबाव कम हुआ, इसीलिए हमें अंदर जाकर तेल निकालना पड़ रहा है। वैसे हम में से एक, वो देखो उस वंडर वाटर के पास रहे पाइप को पकड़कर अंदर जाकर वहाँ एक टैप को फिराना पड़ेगा, ऐसे फिराते ही पेट्रोल दूसरे पाइप के द्वारा हमारे लॉरी में लोड हो जाएगा। ठीक है नटवर, मैं नीचे जाकर उसे जोड़ कर आता हूँ, कहकर समुंदर में कूद कर नीचे तैरते हुए जा रहा था। तभी अंदर दो आदमी उस पाइप को तोड़ते हुए दिखे। उसे देखकर गुरु धीरे धीरे तैरते हुए ऊपर लौट कर आया और नटवर से, रे नटवर, नीचे दो लोग हमारे पेट्रोल के पाइप को फोड़ रहे हैं रे, क्या करे? कमीने लोग मेरे मालिक के दुश्मनी होंगे, जल्दी आओ, उन्हें पकड़कर मारेंगे, कहकर वो दोनों समुंदर में कूदकर उस पेट्रोल के कुएं के पास गए। वहां पाइप को फोड़ रहे उन दोनों को पकड़कर ऊपर लेकर आए। जीजा जी उन्हें रस्सी से बांधो, पहले कुएं में से पेट्रोल निकालकर लॉरी में भरेंगे और उसके बाद इन्हें ले जाकर पुलिस स्टेशन में सौंप कर खूब पीटेंगे, कहकर कुएं में से पेट्रोल निकालकर लॉरियों में भरे। बाद में नाव को शुरू किए, तब उन दोनों से, नटवर कौन हो रहे तुम, पेट्रोल के कुएं को क्यों नाश कर रहे हो, तुम्हें किसने भिजाया, सच बताओगे या चार खींच कर मारे क्या, कहकर उन्हें मारने लगा। तुम्हारे मालिक रतन सेठ ने ही हमें भिजाया, उस पाइप को फोड़ कर आए तो एक एक को लाख रुपए देंगे बोले थे,
क्या बात कर रहे हो रे, पेट्रोल के कुएं को वो क्यों तोड़ना चाहेंगे? तुम लोग उनके बारे में झूठ बोल रहे हो। तुम्हें ऐसे नहीं कुत्ते के जैसे पीटे तो ही सच बताओगे, कहकर उन्हें मारने गया। रे मूर्ख, तुम्हारा मालिक हमसे भी बड़ा चोर है। अगर ये कुआं खराब हुआ तो उसे इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, इसीलिए हमें उसे नाश करने को कहा। ऐसे किए तो समुन्दर की मछलियाँ सारे मर जाएंगे ना, मुझ जैसे मछुआरों का जिंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो भूखे मर जाएंगे ना, ये गलत बात है। सही गलत ये किसे चाहिए जी, हमें पैसे चाहिए, हमारे मालिक को काम पूरा होना चाहिए। जीजा जी, अब इन्हें क्या करे, ये बात हम पुलिस वालों पर छोड़ देते हैं, इन्हें लेकर पुलिस को सौंप देंगे, हमारे मालिक के किए सारे काले करतूत के बारे में सभी को बताते हैं, कहकर उन चोरों को पुलिस थाने में सौंप दिए। उनके मालिक के किए हुए सारे धोखों के बारे में पुलिस को बताए, पुलिस उनके मालिक को गिरफ्तार किए। इतना बड़ा हादसा होने से बचाने के लिए पुलिस वाले गुरु और नटवर को शाबाशी दिए। एक गांव में रघुवरन कहकर एक कॉन्ट्रैक्टर रहता था। उनको दो बीवियां थी, ललिता और काव्या। ललिता बहुत धनवान थी, लेकिन काव्या तो साधारण मिडिल क्लास से आई लड़की थी। काव्या को एक बेटा था, नाम विक्रम। विक्रम बहुत मेहनत करके सिविल्स एग्जाम में पास होकर बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया था। ललिता को एक बेटा विजय और एक बेटी आराध्या पैदा हुए। वे बहुत धनवान होने की वजह से विजय एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया था। हैरान की बात यह है कि विजय और विक्रम को बिल्कुल जमता ही नहीं था, लेकिन उन दोनों तो उनकी बहन आराध्या को बहुत प्यार करते थे। एक बार विजय घर से बाहर निकला कार में ड्राइवर से, ड्राइवर जल्दी चलो एक अर्जेंट मीटिंग है। इतने में ट्रैफिक सिग्नल गिर गया था, रेड सिग्नल के वजह से ड्राइवर ने कार को रोका। ड्राइवर तुम गाड़ी को मत रोको, कुछ नहीं होता है, उधर मीटिंग मिस हो गया तो करोड़ों में नुकसान हो जाएगा, कहकर सिग्नल जम करवाया। वो देखकर विक्रम, अबे कौन है वो रेड सिग्नल जम करके जा रहा है? सर वो तो आपका भाई विजय का गाड़ी है सर। जो भी है वो गलत किया है, गाड़ी निकलो, कहकर विजय कार को चेस किया। विक्रम उनकी पुलिस जीप से विजय कार को ओवरटेक करके उसे रोका। ये रोड तुम्हारा माँ का संपत्ति समझा है क्या? सिग्नल तोड़कर जा रहा है, चालान भरना होगा। जितना चालान चाहिए उतना लिखो, लेकिन मेरे रास्ते से हट जाओ, चलो हटो। चालान भरने से काफी नहीं होगा भाई साहब, 3 महीने की जेल भी हो सकती है, ये बात याद रखो। आफ्टर ऑल एक पुलिस हो तुम, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ, कहकर किसी को फोन किया। कुछ देर के बाद विक्रम को एक फोन आया। फोन में विक्रम, सर सर ओके सर ओके सर, कहकर फोन रख दिया। मुझसे पंगा लिया तो तुम्हारी माँ भी कुछ नहीं कर सकती है तुम्हारे लिए। तब विक्रम को बहुत गुस्सा आया। कांस्टेबल इस कार को सीज करो, कौन बीच में आता है मैं भी देखता हूँ, कहकर विजय को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया। अबे जाओ रे, कहाँ जाओगे जाओ, कहकर कार को लेकर चला गया। एक बार विजय के घर में आराध्या का सगाई हो रही थी। तब लड़के वाले, आपकी बेटी हमको बहुत पसंद आई है, लेकिन आपको और एक भाई है ना विक्रम, उनका भी राय लेना है ना। तब विजय को बहुत गुस्सा आया और उनसे, अबे उठो, हमारे घर आके उनका परिवार के बारे में पूछते हो, वेस्ट फेलोस, उस परिवार से हमका कुछ लेना देना नहीं है, चलो निकल जाओ। तब लड़के वाले उधर से चले गए। कुछ देर के बाद विजय, उस विक्रम के वजह से मेरी बहन की रिश्ता टूट गया है, सुबह मेरे को सड़क बीच पर खड़ा कर दिया था, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, कहकर शपथ लिया। एक बार आराध्या जब रेलवे स्टेशन में थी, तब कुछ गुंडे लोग उनको छेड़ रहे थे। ओए मेरे सपनों की रानी, ओए मेरे दिल की धड़कन, ओए खूबसूरत इधर देखो तो, विक्रम भी वही था। अबे कौन है रे तुम लोग, मेरे बहन को छेड़ते हो, पुलिस का मार कैसा होता है देखोगे, हड्डी फसली बन जाएगा खबरदार, कहकर चेतावनी दिया। तब वे गुंडे लोग उधर से चले गए। ये क्या है आराध्या, तुम अकेली जा रही हो, साथ में कोई नहीं है क्या? भैया मैं बहुत डर गई थी भैया, थैंक यू भैया। ठीक है बहन, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ, कहकर घर के पास बहन को छोड़ा। घर के पास विजय विक्रम को देखकर, क्यों रे शर्म नहीं है क्या तुमको, मेरे घर को आओगे, तेरी ये हिम्मत, कहकर मारने के लिए आगे आया। भाई रुको, भाई आज अगर विक्रम भैया नहीं होते तो इस तरह तुम मुझसे मिल ही नहीं पाते भाई। ये तुम क्या कह रही हो? तब आराध्या जो हुआ सब कुछ बताई।
तब विजय बहुत दुखी हुआ। सॉरी विक्रम, मुझे माफ करो, आज तुमने हमारी जान को बचाया है, अंदर आओ। तब विक्रम का मन बह गया और सॉरी विजय, तुम इतना अच्छे हो कहकर मुझे पता नहीं था, तुम्हारे कार को सीज करने के लिए मुझे माफ करो, तुरंत तुम्हारा गाड़ी को लेकर आता हूँ। तब वे दोनों एक हो गए थे। आराध्या को अच्छा रिश्ता भी आया, दोनों भाई मिलकर आराध्या का शादी धूमधाम से मनाए थे।